हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिंबाला फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इको चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10। आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू होमवर्क विच विल बी चेक्ड वंस द स्कूल ओपन। आज का हमारा चैप्टर है विकास। विकास जो है अथवा प्रगति की धारणा जो है शुरू से ही हमारे साथ रही है। हमारी अनेक इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध करवाने को ही विकास कहते हैं। विकास से देश की प्रगति जो है प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। विकास हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्या सभी का जीवन अच्छा हो सकता है? लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हम विकास में पढ़ते हैं। विकास के बारे में दो बातें परस्पर विरोधी भी है, जैसे कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो एक के लिए विकास का लक्ष्य है वो दूसरे के लिए ना हो। उदाहरण के तौर पर जैसे भाई और बहन, बहन चाहती है कि भाई उसके घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन भाई का ये लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी तरह जो एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति जो ये या फिर सरकार जो है बांध बनाने का कार्य करती है, तो इससे जो है लाभ होता है, लेकिन जब नदियों पर बांध बनाए जाते हैं तो जिन लोगों को वहां से विस्थापित किया जाता है और वहां की भूमि जो है कितनी नष्ट हो जाती है और लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह जो है एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अगला टॉपिक है आय और अन्य लक्ष्य। क्या लोगों के विकास का लक्ष्य अधिक आय प्राप्त करना ही होता है सिर्फ? नहीं, लोगों के विकास का लक्ष्य अधिक आय प्राप्त करना नहीं, बल्कि सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले, बराबरी का, सभी लोग उनके साथ बराबरी का व्यवहार करें और दूसरे उनका सम्मान करें, अर्थात वो दूसरों से आदर चाहते हैं। और अगर कोई उनके पास भेदभाव करता है तो भेदभाव से हर व्यक्ति दुखी होता है, अप्रसन्न होता है। तो इस कारण जो है कि लोग केवल अच्छी आय ही नहीं बल्कि जो है वो चाहते हैं उनके साथ व्यवहार भी अच्छा हो, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही काफी नहीं होती, अर्थात धन जो है वही प्राप्त नहीं होता, धन है और आर्थिक जो है सुख सुविधाएं ही काफी नहीं होती, बल्कि हमारा जीवन जो है इन अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। एक अत्यय हमने पढ़ा था कि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया था। नर्मदा नदी पर जब बांध बनाया जा रहा था तो वहां तब उस समय जो है बहुत से लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा था। विकास के लिए लोग जो है मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, अर्थात विकास के लिए जो है केवल एक लक्ष्य ही काफी नहीं होता। जैसे कि ये सच है कि महिलाएं जो है वेतन भोगी कार्य करती है तो वो घर और समाज दोनों में जो है उनका आदर बढ़ता है, और घर के कामों में उनके जो है परिवार के सदस्य उनका हाथ भी बटाते हैं। घर से बाहर काम करके जो महिलाएं वेतन लाती हैं उन महिलाओं को समाज में घर में ज्यादा सम्मान मिलता है। और साथ ही साथ जो है यदि इन महिलाओं को, चाहे कोई भी महिलाएं हैं, अगर उन्हें बाहर सुरक्षित व संरक्षित वातावरण मिले तो महिलाएं जो है और बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार और नौकरियां कर सकती हैं। तो इस तरह जो है लोगों के लिए विकास के लिए आय के अवसर ही पर्याप्त नहीं होते बल्कि अनेक दूसरे अवसर भी, यानी दूसरे लक्ष्यों को भी देखना पड़ता है। अब आता है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास क्या होता है? राष्ट्रीय विकास का अर्थ केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाना नहीं है बल्कि इसके साथ साथ जो है देश में व्याप्त गरीबी को कम करना, आय व संपत्ति में असमानता को कम करना तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। अगला है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए कि विभिन्न राज्यों में इसकी तुलना करने से पहले जैसे हम अगर भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना करते हैं तब हम उनमें कुछ समानताएं होती हैं और कुछ अंतर दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी कक्षा के विद्यार्थियों की तुलना करना चाहते हैं तो उन कक्षा के विद्यार्थियों की तुलना करने के लिए हम उनकी ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा व रुचि के अनुसार जो है उनकी समानता और विभिन्नता देखते हैं। हो सकता है कि जो सबसे स्वस्थ व्यक्ति है, विद्यार्थी है, वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, तो दूसरी तरफ
जो सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है, पढ़ाई में अच्छा है लेकिन दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार न रखता हो। तो इस तरह जो है हम तुलना करने के लिए जो है हर एक चीज के अंदर अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। विभिन्न इसी तरह जो है जब विभिन्न देशों की तुलना करते हैं हम, तो विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए हम आय को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि आय के आधार पर हम किसी भी देश को विकसित, विकासशील या जो है अल्प विकसित देश के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी भी देश में उत्पादित कि एक वर्ष के अंदर उत्पादित जितनी भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उन सब के मूल्य को तथा विदेशों से जो हमें आय प्राप्त होती है उसको जोड़ने पर जो आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, ये पहले थी राष्ट्रीय आय, जो देश में कुल जितनी भी वस्तुएं सेवाएं या विदेशों से प्राप्त आई थी वो राष्ट्रीय आय थी, और प्रति व्यक्ति आय कि देश के अंदर जो कुल आय है उस कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। अगला एक क्वेश्चन आता है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो विश्व बैंक जो है विभिन्न वर्गों का मापदंड करने के लिए आय पर आधारित मापदंड का प्रयोग करता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है वे देश जिनकी आय 2013 के अंदर प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर के हिसाब से 12,736 जो है प्रतिवर्ष या इससे अधिक है उसको समृद्ध आय वाला देश माना गया, और जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 1,045 प्रतिवर्ष या इससे कम है तो उसे निम्न आय वाला देश माना गया, और जिन देशों की आय यूएस डॉलर के हिसाब से 1,045 से ऊपर और 12,736 से कम है उन लोगों को जो है मध्यम आय वाले देशों के अंदर माना जाता है। भारत को जो है मध्यम आय वाले वर्ग के अंदर आता है क्योंकि इसकी आय जो है यूएस डॉलर 1,570 रुपए प्रति वर्ष है। आय के आधार पर जो मापदंड की हम मापते हैं तो इसकी कुछ सीमाएं भी है, अर्थात यह आय के बारे में वितरण के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं देता। इसके साथ ही साथ जो है ये मापदंड जो है शांति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, दीर्घायु इनके ऊपर ध्यान देने की बजाय केवल आर्थिक मापदंड पर ही ध्यान देता है। अगला टॉपिक आता है हमारा औसत आय। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? औसत का प्रयोग इसलिए किया जाता है एक देश के लोगों की आर्थिक स्थिति की तुलना दूसरे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति से सही सही तुलना करने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। औसत आय की कुछ सीमाएं भी है, जैसे यह आय के वितरण के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं करती। दूसरा, औसत आय जो है अभौतिक वस्तुओं व सेवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। हम औसत आय को एक थोड़ा सा जो है बुक में देखते हैं। औसत आय को मापने के लिए एक टेबल दिखाई गई है जिसके अंदर दो देशों की तुलना की गई है, देश का और देश का है। ये 2012 के अंदर नागरिकों की मासिक आय के बारे में बताया गया है। देश कै के अंदर जो है पांच देश है जिनमें से एक देश की आय 9,500 रुपए, दूसरा 10,500, 9,800, 10,000 और 10,200 रुपए है। ये पांच व्यक्तियों की आय बताई गई है। खै देश खै के अंदर ये देशों के नाम है, ये देश खै में एक की 500, दूसरे की 500, तीसरे की 500, चौथे की 500 और पांचवे की 48,000 है। तो क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे या क्या दोनों देश बराबर विकसित है? इसके बारे में हम लोग जो है खै देश में रहना पसंद करेंगे क्योंकि इस देश के अंदर हम उस देश के पांचवे नागरिक होंगे जिनके द्वारा यह निश्चित होगी कि शायद जबकि जो है शायद हम में से ज्यादातर लोग कै में पसंद करेंगे, यानी कि जो लोग अधिक आय चाहते हैं वो देश कै में रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनमें लोगों की आय ज्यादा है, और जबकि खै देश के अंदर रहना इसलिए नहीं पसंद करेंगे क्योंकि जहां चार लोगों की आय तो इतनी कम है और एक व्यक्ति की इतनी ज्यादा है। तो जो है
कि खै में ज्यादातर गरीब हैं और कै में जो है लगभग बराबर के लोग हैं। तो ज्यादातर लोग जो हैं कै देश में रहना पसंद करेंगे। तो लेकिन ये जो है ये औसत आय के लिए तुलना की गई, लेकिन इससे ये नहीं पता चलना कि आय जो है लोगों में किस प्रकार वितरित है। तो इसलिए जो है हम औसत आय का प्रयोग दो देशों की जो है आय को मापने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो है आय को मापने के और भी अन्य मापदंड है, जैसे कि इसको हम एक तालिका के जरिए समझते हैं। राष्ट्र के अंदर जो है एक व्यक्ति की आय जो है 1,17,091 रुपए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है इतनी है। केरल में 1,03,820 रुपए, बिहार में 31,199 रुपए, लेकिन ये उनकी प्रति व्यक्ति आय है। दूसरी तरफ ये देखिए कि महाराष्ट्र में जो है शिशु मृत्यु दर जो है वो 1,000 पर 24 और केरल में 12 और बिहार में 42, यानी कि महाराष्ट्र की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ केरल की आय बिहार महाराष्ट्र से कम है, लेकिन शिशु मृत्यु दर वहां पर जो है बहुत ही कम है। और बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय भी कम है और उसकी शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। साक्षरता के मामले में महाराष्ट्र में 82% है, तो दूसरी तरफ केरल में 97% लोग साक्षर है, यानी साक्षरता के मामले में केरल आगे है। इसी और बिहार बिहार में सबसे कम साक्षरता है, अर्थात साक्षरता की दृष्टि से जो है बिहार सबसे पीछे है। निवल उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, जिसमें जो पढ़ने वाले बच्चे जो है वो कितनी मात्रा में स्कूल जाते हैं, इसको कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में 64, केरल में 78, जो है 100 के पीछे महाराष्ट्र में 64, केरल में 78 और बिहार में 35। अर्थात इनके अंदर इन देशों में जो है साक्षरता दर जो है वो भी केरल की सबसे आगे है। तो इनसे जो है क्या पता चलता है हमें कि प्रति व्यक्ति आय को मापने के जो है अन्य मापदंड की हम जो है लोगों के बारे में जानने के लिए केवल आय ही नहीं बल्कि शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात के आधार पर भी अध्ययन करते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, किसी एक साल में 1,000 जीवित बच्चों के पीछे जितने जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से जो पहले बच्चों की मृत्यु हो जाती है उन्हें शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। साक्षरता दर किसे कहते हैं, यानी कि 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो है लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षर जनसंख्या कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात, यानी 14 से 15 की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का अनुपात जो है उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ प्रतिशत में मापा जाता है। तो ये था आय और को मापने का दूसरा मापदंड। अब आता है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं किन्हें कहा जाता है, वे सुविधाएं जो सभी व्यक्तियों को प्रयोग जो है के लिए उपलब्ध होती है, यानी कि एक बार जिनका निर्माण होने के बाद सभी लोग जो है सामूहिक रूप से उसको यूज कर सकते हैं, जैसे स्कूल, सड़क, पार्क, रेलवे, बैंक, स्वास्थ्य इत्यादि। तो जो है लेकिन सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में कि हम एक और भी बात पे आती है कि जेब के अंदर एक आता है कि जेब में रखा रुपया जो है सब सेवाएं और वस्तुएं खरीद सकता है जब और जिसके लिए आपको बेहतर जीवन की आवश्यकता है, लेकिन पैसा जो है वो प्रदूषण मुक्त वायु कह लो या फिर जो है प्रदूषण मुक्त वातावरण ये सब हमारे लिए नहीं खरीद सकता। तो इसलिए जो है पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो वास्तव में जीवन के लिए जो है बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों की हमें आवश्यकता होती है, जैसे सार्वजनिक सुविधाओं को लगा लो। अगर कोई व्यक्ति अमीर है, गांव में रहता है और गांव में वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तो वो अकेले स्कूल का को नहीं खोल सकता, इसके लिए जो है उसे सरकार से जो है इस बारे में बात करनी पड़ेगी। साथ ही गांव के दूसरे लोगों को भी जो है अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार करना पड़ेगा, तभी जो है स्कूल जो है खोला जा सकता है और सरकार की ओर से पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो इसी तरह जो है चाहे वो रेलवे है, बैंक है,
ये सब सुविधाएं जो सभी लोगों के लिए पर्याप्त होती हैं उन्हें सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और साथ ही साथ जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी सरकार ने जो है लागू की है, जिसके आधार पर सभी लोगों को जो गरीब लोग हैं कम मूल्य पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।